नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इसमें यदि कोई 2 राज्य सबसे ज़्यादा वहाँ की सियासत गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश और पंजाब। दरअसल पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर्स बदला, उसके बाद जो सियासत है वो कांग्रेस जो है विभाजित हुई, कैप्टन अमरिंदर अलग चले गए। इसी बीच आपने अपने को बहुत तेज़ी से मजबूत किया है, उभारा है। पहले भी आप वहाँ पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी, पिछली बार वो चूक गई थी। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए उसने आपको काफ़ी ऑक्सीजन दे दिया है। वहाँ पे कुल 35 सीटें अब हो गई है, पहले 26 हुआ करती थी। उन 35 में से 14 सीटें आपने झटक ली है। जो बीजेपी 21 सीटें पिछली बार 26 में से जीती थी, वो बीजेपी अब की बार बहुत डाउन होकर के 12 पे आ गई है और आप सिर्फ 4 सीट बहुमत से पीछे रह गई है। कहने का मतलब ये कि यदि राजनीति संकेतों से चलती है, क्योंकि उसमें संकेतों का और मैसेज का बहुत महत्व होता है, तो आपके लिए इससे बड़ा संकेत और महत्व क्या हो सकता है कि उसने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जो है 14 सीटें जीती और सिर्फ 4 सीट जो है वो बहुमत से दूर है। स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी इससे खुश होगी, कोई भी राजनीतिक दल उसकी जगह पे होगा तो खुश ही होगा। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस वहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुँच गई है। ठीक है कि जो नगर निगम के या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसके अपने गणित होते हैं और उसका विधानसभा चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर नहीं माना जाता, लेकिन ये संकेत तो है ही कि जमीन जो है कहाँ पे है कांग्रेस के पास और कहाँ पे है बीजेपी के पास। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि जो किसान आंदोलन हुआ, बेशक 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर के उस आंदोलन को ख़त्म करा दिया गया, लेकिन बीजेपी को नुकसान उससे हुआ है क्योंकि चंडीगढ़ जो है शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे बीजेपी जीती थी और अब जो है आम आदमी पार्टी 14 सीटें ले आई। यानी कि अब जो है जो भी वहाँ पे सत्ता में आएगा उसे किसी न किसी से गठजोड़ करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सोच रही है कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पे हम किसी दल से गठजोड़ क्यों करें, क्योंकि उससे तो राजनीति में जो चुनाव है उसमें नुकसान हो जाएगा। लिहाजा उसने साफ कर दिया है कि वो किसी से सहयोग नहीं करेगी, लेकिन वो कुलाचे भर रही है, उसकी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे भर रही है। उधर 32 किसान संगठनों में से 22 ने मिलकर के जो संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, उन्होंने भी संकेत दिया है कि वह आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन दे रहा है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती थी और वहाँ पर भी ऐसी ही एंट्री मारी थी और चंडीगढ़ में भी वैसे ही एंट्री ली है। तो उसके खुश होने का ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वो पंजाब में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो उसका तो वो इसका इंटरप्रटेशन इसी रूप में करेगी भी और किया भी जाना चाहिए कि एकदम भविष्य में क्या होने वाला है वो दीवार पे इबारत की तरह लिखी हुई है, पढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इसे किस रूप में और कैसे पढ़ती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।